गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे इस्मत चुगतई की लिखी कहानी कामचोर, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। यह कहानी कामचोर यानी कि आलसी बच्चों की है। बच्चे अक्सर काम से जी चुराते हैं और उन्हें खेलने कूदने और मस्ती करने में ही मज़ा आता है। तो इस कहानी में बताया गया है कि अगर सही दिशा निर्देश या सही तरीका उन्हें नहीं बताया जाता है तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। काम सही तरीके से ना हो तो घर वालों को क्या क्या परेशानी हो सकती है, ये इस पाठ में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है। तो इस कहानी में हमने पढ़ा कि किस तरह से बच्चों के लिए ये फरमान जारी होता है कि उन्हें काम करना ही होगा और अगर वे नहीं करेंगे तो उन्हें रात का खाना भी नहीं मिलेगा। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर वे काम करेंगे तो उन्हें काम की तनख्वाह भी दी जाएगी। तो सबसे पहले दरी साफ़ करने, फिर आंगन साफ़ करने और फिर पेड़ों में पानी देने का काम करने की कोशिश की जाती है, जो कि असफल होती है। उसके बाद मुर्गियों को उनके दड़बे में डालने की कोशिश होती है और तभी किसी को भेड़ों को दाना देने का ख्याल आता है। और फिर तो ऐसा लगता है जैसे जर्मनी की सेना ने टैंकों के साथ में बमबारी करके सब बर्बाद कर दिया हो। तो इस तरह से इस कहानी में अब तक हमने ये पढ़ा, अब देखते हैं आगे। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस के अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। तो कुछ लोग मुर्गियों के पीछे पड़े थे, कुछ भेड़ों को दाना देने के। तो भेड़ों ने और मुर्गियों ने जो नुकसान किया उसके बाद में, तो इधर यह प्रलय मची थी और दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो दूसरे बच्चे बच गए थे वो भी लापरवाह नहीं थे। वैसे भी इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी पहले ही उनको मिल चुकी थी उनके अब्बा से। तो उनके यहाँ 4 भैंसें थी, उनका दूध दुहने का काम शुरू किया गया। धुली हुई या बेधुली यानी बिना धुली हुई बाल्टियाँ लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। 8 हाथ मतलब कि 4 जने उसका भैंसों का दूध निकालने के लिए आ गए। एक भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। एकदम से जब ये इन सब साथ में उन्होंने दूध दुहने के लिए आ गए तो वो डर गई भैंस और एकदम से उछल के खड़ी हो गई और बाल्टी को उसने लात मार दी। तो तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी यानी उसके आगे और पीछे के पाँव जो है उसे बांध दिया जाए और फिर उसे काबू में करके दूध दुह लिया जाए। तो अगर भैंस ऐसे नहीं दुहा रही है तो उसके आगे और पीछे के जो आगे अगाड़ी और पिछाड़ी पैर है उनको बांध दिया जाए। तो इसके लिए झूले की रस्सी लाकर उन्होंने भैंस के पैर बांधने की कोशिश की। पिछले 2 पैर चाचा जी की चरपाई के पैरों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वे पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। तो जब बच्चों ने सोचा कि ऐसे तो भैंस का दूध नहीं दूह सकते तो उन्होंने तय किया कि भैंस के जो आगे पीछे के पैर हैं उनको साथ में बांध दिया जाए। तो पीछे के पाँव को झूले की रस्सी से पास में ही चाचा जी की चारपाई थी उसके पायों से बांध दिया। अब आगे के 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, तब तक भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भागने की कोशिश की उसने और भैंस भागने लगी। छूटकर जो भागी मतलब उनके हाथ से कोशिश होती चौकन्नी हो गई भैंस और उसके बाद में भागी जोर से। तो पलंग पर जो चारपाई थी उस पर चाचा जी सोए हुए थे तो उन्हें लगा कि वो शायद कोई सपना देख रहे हैं डरावना, इसमें भगदड़ मची है। फिर
जब पास में ही कोई पानी का ड्रम था उससे चारपाई टकराई और ड्रम का जो पानी था वो उछल कर चाचा जी पे आया, तो उनकी नींद खुली और उन्हें लगा कि कोई आंधी तूफान आया हुआ है, बारिश आ रही है, इससे पानी बरस रहा है और साथ में भूचाल यानी कि भूकंप भी आया हुआ है। फिर जब आंखें खोल के उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें असली बात का पता चला और फिर तो पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़कर और बच्चों को छोड़ जिन्होंने भी छोड़ा काम बताया उन पर वो गुस्सा हो गए और भला बुरा उनको सुनाने लगे। इस तरह से चाचा जी की हालत हो गई। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के तीन चौथाई में हो गया। लिखिका आगे लिखती है कि जब भैंस भाग रही थी तो यहाँ ये जो दृश्य था वो बहुत ही हंसी मजाक वाला बन गया था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भैंस आगे आगे भाग रही और उसके पीछे पीछे जो चारपाई है उस पर बैठे हुए चाचा जी उसके साथ भागे जा रहे हैं, तो इसे देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन उन्हें ध्यान आया तभी कि बच्चों को कि एक भूल हो गई और बछड़ा तो खोलना भूल ही गया, इसीलिए भूल को सुधारते हुए जल्दी से तत्काल मतलब उसी समय बछड़े को खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा का मतलब है कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया कि जो फैसला लिया था बछड़े को खोलने का वो बिल्कुल सही था। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर, क्योंकि भैंस जो है वो माँ है, तो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो रुक गई, खुरों को ब्रेक लगा दिया, मतलब कि वहीं जहाँ थी वहीं पे रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, मतलब दूध पीने में लग गया। तभी दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि उस समय जो बाल्टी थी उनकी वो जाकर सीधी जब भैंस ने लात मारी तो वो गोबर में जाकर गिर गई थी, तो वो गंदी हो गई। तो जो हाथ में मिला कटोरा गिलास वो लेकर भागे, बछड़ा फिर बागी हो गया। तो बछड़ा दूध पीने में जुटा हुआ था तो फिर से दूध पीने लगा और कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा, तो उन्होंने कोशिश की बछड़े को हटाकर दूध दुहने की, तो थोड़ा तो जमीन पे और थोड़ा कपड़ों पर गिरा, दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, थोड़ा बहुत दूध गिलास और कटोरे में भी गया और बाकी जो था वो बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया, यानी कि बहुत थोड़े से समय में, कि उनको सोचने समझने का भी समय नहीं मिला, इतने कम समय में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे। तो जब तूफान उठा घर में, उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो हालात घर में उपस्थित हुए थे, मुर्गियों को दड़बे में डालने के, भेड़ों को दाना देने की और गाय भैंस का दूध दुहने की वजह से जो हालत हुई थी घर की, उससे ऐसा लग रहा था कि सारे घर में केवल मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए बर्तन, बाल्टी, लोटे, कटोरे यही फैले पड़े हैं और उसके अलावा बच्चे बस यही है और घर में कोई भी नहीं है। बच्चों को घर से बाहर निकाला गया, मुर्गियों को बाग में हकाया गया यानी बाग में भेजा गया, उनको उड़ा दिया गया उधर। मातम सा मनाती तरकारी वाली यानी शोक मनाती या दुखी होती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए, दुख हो रहा था उसे, उसके जो सब्जियां थी उसका नुकसान हो गया था, तो उसके आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। कि अम्मा को पहले ही विश्वास नहीं था कि ये लोग काम भी कर सकते हैं क्या, तो वो इतनी नाराज़ हो गई कि वो अपना सामान बांधने लगी आगरा जाने के लिए और उन्होंने चुनौती या
उन्होंने कहा कि या तो बच्चा राज कायम कर लो, यानी कि या तो बच्चों से काम करवा लो या फिर मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो बच्चे काम करने के लिए घर में रहें या फिर मैं, और नहीं बच्चे रहेंगे तो फिर मैं चली अपनी मायके। तो अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि कोर्ट मार्शल कहलाता है फौज को या फौजी अदालत, और जिसमें जो दोषी है उसे सजा सुनाना, किसी जो फौजी होता है उनके किसी दोष के लिए सजा सुनाना कोर्ट मार्शल कहलाता है। बटालियन यानी कि सेना, तो ये जो पूरी बच्चों की सेना थी उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, उन्हें सज़ा सुनाई गई कि अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया या कोई भी काम करने की कोशिश की तो उनका रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चे बोलते हैं कि ये लो, इन्हें किसी भी करवट शांति नहीं, यानी इन्हें किसी भी तरह शांति नहीं, हम काम कर रहे हैं तो भी इन्हें परेशानी, नहीं कर रहे थे पहले तो भी शांति नहीं थी, तो ये लीजिए इन्हें किसी करवट शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कि अपना कोई भी काम हम नहीं करेंगे, अगर किया तो खाना बंद हो जाएगा, इसलिए बच्चों ने भी ये निश्चय कर लिया कि हम भी कोई काम नहीं करेंगे। तो ये थी कहानी कामचोर।